अरे धत तेरे की, क्या ये जरूरी है कि हर एपिसोड की शुरुआत हम लोग इस सोफे पर तीन बंदरों की तरह बैठकर बातें करते हुए करें? ठीक है, इस एपिसोड की शुरुआत हम बिना बात किए करते हैं क्यों? अरे मेरे खामोशी पिक्चर की हीरोइन, तू प्लीज खामोश हो जा। अरे चुप रहना, तेरे दिमाग में तो गंध का घर है। ये देख, हर एपिसोड में ना अपने दरवाजे के बाहर कोई ना कोई एक्टर खड़ा होता है एंट्री मारने के लिए। अपन थोड़ी चीटिंग करते हैं और उसके क्यू से पहले दरवाजा खोल देते हैं। ओके, ओह एक्साइटिंग। अमित अमित अमित, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो मुझे भी ये शादी नहीं करनी। प्लीज अमित, नहीं करनी मुझे ये शादी, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये कौन है? मुझे लगा डॉली एंट्री मारी। मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो मत करना मेरी माँ, मैं कहाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ। कैसी शादी, किसकी शादी, कौन सी शादी? अमित, ये चक्कर क्या है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? या इसे तो मैंने प्रपोज भी नहीं किया। ये वो नीचे अय्यर अंकल है ना, उनकी लड़की है राजलक्ष्मी। अमित मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज यू गॉट टू हेल्प मी। बात क्या है? पापा मेरी शादी एक लड़के से करना चाहते हैं। और तुम एक लड़की के साथ शादी करना चाहती हो, राइट? टाइम पास, चुप करना। हाँ तो मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पापा को कोई और लड़का पसंद है, तो पापा की शादी उस लड़के के साथ। प्लीज अमित मुझे अपने आगोश में छुपा लो प्लीज। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा आगोश तो ऑलरेडी हाउसफुल है। किचन में, किचन किचन किचन। अब क्या करें? राजलक्ष्मी ये रहा, यहां के राजलक्ष्मी इन्हें अंदर विलन है अमित कपूर, कल नहीं अमरीश पुरी। எங்க ரை நோட் பண்ண? राजलक्ष्मी सॉरी अंकल, हाउ डू यू डू? वेरी बैड मॉर्निंग दा, वेरी बैड मॉर्निंग राजलक्ष्मी I knew something is cooking. Rajlakshmi. No, no, no. Nothing is cooking. Rajlakshmi is not cooking. Only Rajma is cooking. Rajlakshmi. Badi velile. Nyan varulla veetle. Nyan varulla. Ni kalyanam cheyanda. Athre ullu madi. Bobby. Enda nan veetle nu odi poi. Ni Bobby ki nan katta katta. Kalyanam cheyanda pa. Nothing doing va veetle. Ya veeti nahi be Madras station hai ye to. लगता है इस लड़की का आज सांबर बनेगा। इसको करना ही पड़ेगा। क्या करें? अमित अमित, मैंने शादी करनी है जी, शादी मैंने करनी है जी। ये क्या हो रहा है? कोई आकर ये कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, कोई आकर ये कहता है कि मुझे शादी करनी है। ये कौन है? मैं सरदार जसविंदर सिंह हैगा। तो मैं क्या करूं? तो आपके जो नीचे रहती है ना, हाँ, वो राजलक्ष्मी, हाँ हाँ, उसके साथ मेरा प्यार हैगा। लेकिन राजलक्ष्मी को तेरे साथ प्यार हैगा? हैगा, इसी वास्ते तो अपने पियो की वाट लगा रही है। Excuse me, वाट लगा रही है? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये बॉम्बे का मॉडर्न मैन है ना, इसलिए ग्रामेटिकली जरा गलत बोलता है। इसीलिए वो अपने बाप की बूट लगा रही है। पंजाब का असली पुत्र? नहीं, मैं पंजाब का पुत्र नहीं, मैं अपने प्यो सरदार जसवंत सिंह का पुत्र है। अच्छा, तो आप राजलक्ष्मी अय्यर से प्यार करते हैं? हाँ जी। शादी करना चाहते हो उससे? हाँ जी। फिर इधर क्यों आए? जाके नीचे वाले फोर्थ फ्लोर के अय्यर अंकल से बात कर लो। ओ पैंट दा अय्यर, ओ मेरी गल सुनने को तैयार नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने होने वाले ससुर को पैंदा कहते हो? ओ मैं कह रहा हूँ ससुरे दे नाल रहना है, ओ मैंने तो राजलक्ष्मी के साथ घर बसाना है। घर बसाना है तो उधर जाना, इधर क्या को है? ओ गल ये है कि वो पैंदा यार मेरी बात नहीं मानता। राजलक्ष्मी कहती कि अमित जी की बात वो बहुत मानता है, तो प्लीज आप मेरी तरफ से हो। बात कर रहे हो यार जसवंत जसविंदर, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं उनसे क्या कह सकता हूँ? अमित, मेरी दादी कहती थी
कि दो आत्माओं का मिलन करने से बहुत दुआ मिलती है। मर गई तेरी दादी? हाँ, कब की। जी, मेरी दादी भी यही कहती थी। हाँ, तेरी दादी तो यही कहेगी ना। अमित, बात करने में बुराई क्या है? चट! तू क्या, क्या क्या कर रहा है तू? जीते के पीते खुल गए थे। ओ बहन दा, मैं समझ रहा था तू कुछ और। अमित, हम लोग एक काम क्यों नहीं करते? क्या? हम लोग अय्यर अंकल को डिनर पे बुलाते हैं और साथ साथ में जसविंदर को भी। बिल्कुल ठीक। और चिकन चिकन बनाएंगे, दारू शारू मैं लेके। होने वाला ससुर शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन। जसविंदर से जब अय्यर अंकल मिलेंगे तो बात बन सकती है। मगर जसविंदर, तुम्हें अय्यर अंकल को इम्प्रेस करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, तुम फिक्र ना करो, तुम जिथे कहोगे उथे उस भैन के अय्यर नूं मैं प्रेस करदा। नहीं यार, प्रेस नहीं, इम्प्रेस, इम्प्रेस। एक काम कर, शाम के खाने के लिए तू यहाँ आ जा, मैं अय्यर अंकल से तुझे अपना दोस्त कह के इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ, और सुनो, जरा ढंग के कपड़े पहन के आना। ढंग के? और ये कड़े पढ़ंगे कपड़े हैं क्या? और ये लिवाइस की शर्ट और ये ज्ञानी जी वर्षा जी की पतलून है और जो भी बहुत ऐसी दंगली है। अय्यर अंकल को इनफॉर्मल कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, कुछ अच्छे से कपड़े पहन के आओ। हेलो, और मैं कौन सा नंगा आने वाला? अरे मेरे छोटे खराब, यो व्हाटएवर, अय्यर अंकल के सामने गलती से भी गाली शूली मत देना। हाँ, चाहे वो पैंदा अय्यर कुछ भी बोले। क्या बात है, ये पैंदा टका जसविंदर अभी तक नहीं है? लगता है भूल गया। आ गया, आ रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे लाल, आ जा। गुड इवनिंग अय्यर अंकल, गुड इवनिंग, प्लीज कम इन, कम इन, कम इन। गुड इवनिंग। Good evening. I am proud to introduce Venkatesh Prasad Raju Velu Nambiar, my would-be son-in-law, Amit Kapoor. Glad to meet you, your could-be not son-in-law. Namaskaram. Namaskaram. Very good boy. Gold medalist, Osmania University, merit holder in mechanical engineering. Bharatnatyam, Kathak, Sambar Sadam cooking, Ella all in one. Very smart. Very smart. In fact, over smart. It's my choice, you see. Hello, Mr. Iyer. Hello, hello. Welcome, welcome. Come, come. I mean, thank you, thank you. अरे लुंगी छोड़िए ना, आइए बैठिए बैठिए, प्लीज बी सीटेड, कम। नी वेंकटेश के टेर की ज्ञान इरकिल्या सारे बल्ले ज्ञान इरकियम। अरे ये क्या, आप लोगों ने इरकियम खिड़कियम पिड़कियम लगा रखा है, इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अयो इल्ले, वन्नो प्रॉब्लम इल्ले, सम माइनर एडजस्टमेंट्स इल्ले, वन्नो इल्ले। आप बोला आपका दोस्त कोई आने वाला है? मैं, हां मेरा दोस्त, वो आता ही होगा, शुड बी कमिंग। लो आ गया। मैं तो कहता हूँ कि इसकी जिंदगी बहुत लंबी है, लकी शैल बी द गर्ल जिसकी शादी मेरे दोस्त के साथ हो जाती है। आपके बाकी ना मोमेंट। पिताजी, ये तो दाढ़ी सेट करने के लिए वादा था। कितना हैंडसम लग रहा है मेरा दोस्त, है ना? लेकिन ये कपड़े कैसे पहन के आए थे? ये शर्ट विलायती है और ये पैंट इंग्लैंड की है, देखो देखो। अच्छा ठीक है ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी लाइफ का सवाल है। हाँ, व्हाट इज द लाइफ विदाउट वाइफ, इट इज जस्ट अ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ। आ जसविंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ जसविंदर। इतनी देर कहाँ लगा ली तुमने यार? ओ यार, मैं तो घर से टाइम पे निकला था, पर वो पहन दे टैक्सी वाले ने ले जाता। गाली शूली नहीं जसविंदर। बट पाजी, मैं तुहानू ते कुछ नहीं कह रहा ना, मैं तो उस पहन दे। अय्यर अंकल प्लीज मीट माय गुड फ्रेंड जसविंदर गुलरी। सास्त्रीकाल अंकल जी, सास्त्रीकाल। नमस्कारम। ओए नमक हराम, किसको बोला इस सारे? नहीं नहीं, अब मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। मैं आपसे बताना भूल ही गया था कि जसविंदर की मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। क्यों जसविंदर है ना? इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर वेंकटेश प्रसाद, अय्यर अंकल के होने वाले दामाद यानी सन इन लॉ। ओ तो ये हैगा वो। हेलो हेलो। क्यों बजा दिया ना इसके हैंड का बैंड? तुम राजलक्ष्मी से तो मिले ही नहीं हो ना? इससे इसे तो मैं रोज छत पर मिलता हूँ चुपके चुपके। क्या जोकी, वेरी जोकी बॉय, जोकी। जसविंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट है। कौन सा यूनिवर्सिटी से? बठिंडा यूनिवर्सिटी से। बठिंडा? Is that in India? No, not at all, not at all. University of Bathinda from Mexico. Mexico? तो तुम इधर क्या करता जी इंडिया में? मैं इधर झक मारता जी। दिल्ली से झक? झक नहीं, ट्रक चलाते हैं ये। ड्राइवर? नहीं, ड्राइवर नहीं, ये
इनकी तो बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है। He is a qualified engineer. है वाइगुरु, कितना झूठ बोल रहे हैं लोग। What a coincidence. Even my son-in-law is chief engineer in an automobile company. Actually, हम एक ऐसा टर्बो इंजन बनाता, जो पेट्रोल से नहीं चलेगा। हेलो, तो टांकी में क्या पिशाब करेगा? कैसा बात करता है जी तुम? रास्ते में कभी गाड़ी रुक गया और पेशाब नहीं आया तो क्या गाड़ी को धक्का मारेगा? हमारा इंजन सोलर पावर से चलेगा। वाव, व्हाट अ स्मार्ट बॉय। ए, ये क्या होता है? सॉरी अप्पा, वो आग में कचरा गया। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। अय्यर अंकल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, हमारे जसविंदर की अभी तक शादी नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे कोई सोनी कुड़ी ही नहीं मिली। ये क्या करते तुम? कुछ कुछ होता है। So sweet. In fact, मैं तो ये मानता हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर ही बनती हैं। ऊपर कितने अमित जी? राजलक्ष्मी और वेंकटेश का जोड़ी भी ऊपर से बन के ही आया। ओए, तू इसे भी छत पर मिला करती थी? क्या? Joking, joking, he's joking. कोई मजाक नहीं किया, मैं खुद मेरा आँख से सुना। Let me explain. वो हमारा जस्सू आपके राजलक्ष्मी को बहुत प्यार करता है। हाँ बाबूजी, मैं आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। What a nonsense! पापा, पापा, मैं बहुत प्यार करती हूँ जसविंदर से। इस बेवकूफ से शादी करने से अच्छा मैं तेरा शादी नहीं करेगा। ओए पांडे टके, वो बेवकूफ किसको बोलता है? मैं तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। अरे बेवकूफ तू, योर फादर बेवकूफ। गाली नहीं देना, उसको भी इधर लाना। अबे अय्यर, मैं तेरी बूट लगा दूंगा। चल ओए, बूट बूट क्या करते हैं? मैं चप्पल से पानी करे उसको। खून हो जाएगा मेरे हाथ से, खून हो जाएगा मेरे हाथ से। अबे मैं तेरे टोटे टोटे कर जाऊंगा। अरे आप लोगों को क्या हो गया है? और तू बिल्कुल चुप रहे। अय्यर अंकल, मैं इसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। यू शट अप, बढ़िया। ओ यू शट अप एंड गेट आउट। शट अप। मैं फाइनली डिसाइड किया तुम्हारा ये बेवकूफ दोस्त के साथ मेरा बेटी का शादी नहीं करेगा मैं। बेवकूफ। अमित राज, राज लक्ष्मी। अय्या, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे पकड़ के आते हो। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। चलो बाजी, जिसे कुछ करो, मेरी तो बुट लग गई है बाजी। तुम्हारी खुद की गलती है। हाँ, यहाँ बुलाया था अय्यर को इम्प्रेस करने के लिए, उल्टा डिप्रेस कर दिया। तो अब क्या होगा बाजी? अब कुछ नहीं हो सकता। अब राजलक्ष्मी की शादी होगी वेंकटेश के साथ। नहीं बाजी, मैं मर जाऊंगा बाजी। आप कुछ करो बाजी, तुझे मेरे बड़े पे आओ। तू समझता क्यों नहीं यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अय्यर उल्टा जल्दी से राजलक्ष्मी की शादी उस वेंकटेश के साथ करवा देगा। हाँ, उस वेंकटेश पर काफी फिदा है वो। एक मिनट, अगर हम ये प्रूव कर दे कि वेंकटेश उतना अच्छा नहीं है जितना जसविंदर है, तो अय्यर मान जाएगा। हाउ इंटेलिजेंट। अरे बेवकूफ, यही प्रूव करने के लिए इसे यहाँ बुलाया था, लेकिन इसने सारा सत्यानाश कर दिया। ओ पाजी, और तुसी अप्रूव करो या डिसप्रूव, और जैसे भी तुसी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शादी राजलक्ष्मी के साथ करा दो प्लीज। लेकिन हम ये अभी भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बस वेंकटेश को यहाँ बुला लो। पाजी तुसी फिकर ना करो, उस खोते दे बच्चे नू मैं हुने उठा के ले जाऊंगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ओके? जी वड्डे पाजी, जो हुक्म मेरे आका, जिस तरह कहोगे मैं करने नू तैयार हूँ। और आप क्या करने वाली? पहले वेंकटेश को तो यहाँ आने दो, फिर तुम अय्यर को लेके आओ, बस बाकी का मुझ पे छोड़। कमिंग। आई एम कमिंग। ये तुमने बुलाया और मैं चला आया। वेलकम। क्या बात है? जब से मैंने तुम्हें देखा है ना वेंकू, मुझे कुछ कुछ होता है। मुझे भी होता है, प्यार तो होना ही था।
तुम सचमुच राजलक्ष्मी से शादी करोगे? अगर तुम हमको पहले मिलता ना तो हम तुमसे करता। लेकिन अभी भी टाइम है। लेकिन ये तुम क्या करते हो जी? कोई देख लेगा। I love you two, three, four. लेकिन मेरा गला छोड़। नहीं छोड़ेगा। अच्छा पकड़ के रखो। विंकटेश। सर। ये लड़ा पन रहे नहीं? सर सर। अप्पा कारिंग अप्पा। अंकल, मुझे ना वैंकू ने प्रपोज किया। रियली? कांग्रेट्स कैश। इतना क्वालिफाइड आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा? शट योर ब्लडी क्रैप। सर, दिस इज अ ट्रैप। ब्लडी फूल और हो जाए इधर से गुल। सर, माफ करो मेरा ये भूल। नहीं, मैं तुम्हारा शादी मेरा बेटी से होने को नहीं देगा। सर, आई कैन एक्सप्लेन। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अम्मा, अम्मा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुड बाय। पोड़ा मोड़िया। जब दिल ही टूट गया। Thank you, Amit. तुम हमारा आंख खोला। You're a thorough gentleman, da. Thank you. अब ये तो मेरा फर्ज था ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? सोसाइटी में हमारा नाक कट जाएगा अमित। वो क्यों? मेरा बेटी का शादी कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ अय्यर अंकल, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोलो बोलो। क्या है कि राजलक्ष्मी आपका इकलौता बेटी है ना? यस यस। बचपन से लेकर आज तक आपने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है ना? Absolutely everything. वो एक ड्रेस मांगा, मैं दो ड्रेस दिया। वो एक थप्पड़ मांगा, मैं दो थप्पड़ दिया। वो एक लड़का मांगा, मैंने दो दिया। अय्यर अंकल, आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, फिर आज उसकी ख्वाहिश पूरी करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? मतलब राजलक्ष्मी जसविंदर से प्यार करती है। हाँ, और जसविंदर आपकी बेटी से क्यों है ना? वो सरदार। अरे वो दिल का बहुत ही साफ है। राजलक्ष्मी को वो हमेशा खुश रखेगा। हाँ अंकल, कम ऑन प्लीज। हाँ बोल दो। नेवर। अंकल प्लीज 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 प्लीज। अरे अपनी बेटी के लिए हाँ बोल दो। उनक अदे बेण मा। अदे। अबे क्या बोल रही है ये? उसको भी वही मांगता है। तो फिर हाँ बोलना। ओके यस ओके। गाली बहुत देता है वो। मैं आपको उसके बिहाफ पे प्रॉमिस करता हूँ कि वो आज के बाद कभी गाली नहीं देगा। ओके लेकिन लेकिन वेकिन छोड़िए जस्सी, आज आप पीने वास्ते लस्सी। अच्छा चल, अब होने वाले ससुर के पाँव छू। ओए मैं किसी ससुर ससुर के पाँव नहीं छूता। अरे मान गए ये तो। ओके ओके नेवर माइंड, लेकिन एक बात प्रॉमिस करो कि तुम गाली कभी नहीं देगा। तो मैंने कभी किसी को गाली दी है? मैं अपना कान से चला तुम। टैक्सी वाला पैंडा पैंडा बोलते थे। ओए पैंडा नहीं पैंदी। जसविंदर कम ऑन, चलो प्रॉमिस करो कि तुम गाली नहीं दोगे। कम ऑन। ठीक है प्रॉमिस। हाँ एक और प्रॉमिस करो कि तुम मेरा बेटी को हमेशा खुश रखेगा। उसके लिए प्रॉमिस क्या है, वो तो मैं हमेशा रखूंगा। देखा कितना स्वीट है। एक और प्रॉमिस, लास्ट प्रॉमिस, कि तुम वो नॉन वेज में चिकन मटन खाना छोड़ दे। एंड देख ताके तू बेटी ब्यारा है या मुझे खरीद रहा है? और तू समझता क्या अपने आप को? तू चिकन नहीं खाता।